नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार लेवल बहाली 2023, बिहार के 3486 स्कूलों में से सिर्फ 828 स्कूलों में ही कार्यरत है लाइब्रेरियन। दरभंगा में लाइब्रेरियन के लिए जोरदार आंदोलन किया गया, बहुत जल्द होगा बिहार लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जारी। तो दोस्तों बिहार में 2008 के बाद अभी तक बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है और लगातार स्टूडेंट के द्वारा मांग किया जा रहा है। लाखों स्टूडेंट विलिस और एमलिस करके बैठा हुआ और बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि सभी स्टूडेंट के बीच एकजुट नहीं है। अगर एकजुट रहता तो बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की भी बहाली आती, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी और के पाठक भी बोला था जो बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, बट कब आएगी इसको कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बिहार लाइब्रेरियन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आखिर बिहार लाइब्रेरियन की बहाली कब आएगी और बिहार लाइब्रेरियन की बहाली निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिहार में बिहार लाइब्रेरियन बहाली आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं जो विभाग की तरफ से निकल के आई है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों जब तक स्टूडेंट सभी स्टूडेंट एकजुट होकर आंदोलन नहीं कीजिएगा, धरना प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, तो अलग अलग जिला में 5-10 स्टूडेंट मिलकर धरना प्रदर्शन कीजिएगा, तब तक आपको बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं देखने को मिलेगी। दूसरी बात है, दिलीप जी से भी बातचीत किए हैं तो दिलीप जी बोले कम से कम 250 से 300 स्टूडेंट आप लोग पटना आइए, तभी हम आपको साथ दे पाएंगे, तभी आपके साथ हम धरना प्रदर्शन कर पाएंगे। 200 से 250 बच्चा नहीं जा पाइएगा तो 10-20 में। तो दोस्तों बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलवाना है तो सभी स्टूडेंट को एकजुट होना पड़ेगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम के लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिए हैं पीएसटी की क्लासेज का। सभी स्टूडेंट एकजुट हो जाइए और 5 से लेकर 8 जनवरी के बीच हम लोग एक बार ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसके बाद ही बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलेगी। जैसे 2023 निकल गया ऐसे ही 24-25 ऐसे ही निकलते चला जाएगा, तो बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब तक सभी स्टूडेंट एकजुट नहीं होइएगा और एकजुट होके धरना प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, सरकार को नहीं घेरिएगा, तो संभव नहीं है बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को। अभी देखिए हाल फिलहाल हम आपको बताते हैं, एक सप्ताह पहले दरभंगा में भी स्टूडेंट द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। ऐसे अगर लगातार 1-1.5 महीना आप लोग धरना प्रदर्शन कीजिएगा, उसके बाद बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलेगी। ऐसे में बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका स्टूडेंट ही कम है, जागरूकता बहुत कम है, तो सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार अभी शिक्षक बहाली पर ध्यान दे रहा है, जिसमें उसका वोट बैंक बनेगा उसी पर सरकार ध्यान दे रहा है। इसमें बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली होगा या नहीं होगा, इसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाने के लिए तैयार है। एक बिहार लाइब्रेरियन के एसोसिएशन भी बनाया गया है, वो भी कभी कभी आवाज़ उठाते हैं और नहीं भी उठाते हैं आवाज़। इसीलिए सभी स्टूडेंट अगर एकजुट नहीं होइएगा तो संभव ही नहीं है बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को। तो दोस्तों नया साल आ चुका है, जनवरी में अगर आप लोग धरना प्रदर्शन अगर सब कुछ करते हैं तो फरवरी से मार्च तक आपको न्यू सेशन में बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानकारी देने वाले हैं, जो सभी स्टूडेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको टेलीग्राम के लिंक दे दिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और हम लोग 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच एक दिन हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे और देखते हैं कितना स्टूडेंट ट्विटर कैंपेन में भाग ले पाते हैं। कम से कम 1-2 लाख ट्विटर कैंपेन नहीं हो पाएगा तो संभव नहीं है बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली देखना। ऐसे ही बिलिस और एमलिस करके बैठे रहिएगा, समय निकल जाएगा, आप लोग को एज एक्सपायर हो जाएगा, फिर भी बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की बहाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सभी स्टूडेंट एग्री है तो वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट में आप लोग छापिए जहाँ आपके साथ हम एग्री है, और सभी स्टूडेंट टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल जुड़ जाइए और 5 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच हम लोग एक डेट डिसाइड करेंगे और उस दिन हम लोग बिहार में बिहार लाइब्रेरियन के लिए ट्विटर कैंपेन करेंगे और देखते हैं कितना स्टूडेंट ट्विटर कैंपेन में भाग लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही हम जागरूक करना चाह रहे थे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही विभाग की तरफ से जो भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।